नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्मी कैरियर के बारे में, कि यदि कोई व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के सक्सेस होना चाहता है तो सबसे पहले अपनी कुंडली के योगों को, समय को, उन ग्रह स्थिति को और कुंडली में कितनी स्ट्रेंथ है फिल्म लाइन में कैरियर से रिलेटेड, ठीक है, और फिल्मी लाइन में भी अगर प्रोडक्शन में जाना है, डायरेक्शन में जाना है, एक्टिंग में जाना है, डांसिंग में जाना है, जिस क्षेत्र में भी जाना हो उस क्षेत्र में कितनी स्ट्रेंथ कुंडली में है उसे देख करके, उसे जांच करके, उसके बारे में समझ करके फिर यदि कदम बढ़ाए तो आपको संघर्ष देखना नहीं पड़ेगा, आपको कम मेहनत में सक्सेस मिल सकती है और काफ़ी लंबे समय तक आप फिल्मी कैरियर को एंजॉय कर सकते हो। बहुत से लड़के और लड़कियाँ कुछ भी सोचे बिना सिर्फ बम्बई का टिकट कटा लेते हैं और यहाँ पर आकर कितने ही वर्ष तक संघर्ष करते रहते हैं और उनका नामो निशान या उनका नंबर कहीं पर भी नहीं लगता। तो इतना इजी मत समझिए किसी भी लाइन में कैरियर बनाना। जब तक आपको भली भांति यह नहीं मालूम हो कि आपकी अप्रोच कहाँ तक आप लगा सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो और आपकी किस्मत आपका कितना साथ देती है, तब तक फैसला लेने से पहले दो बार सोचिए। मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में अपने दिमाग का यूज़ भी करना चाहिए। आपके माँ बाप ने आपको पैदा करके इतना बड़ा किया है, इसलिए नहीं किया है कि आप आँख मूंद करके कोई भी फैसला ले लें, उससे पहले सोचिए। आज एक कुंडली हमारे सामने उदाहरण के रूप में भी है, बहुत सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न होकर के अपने ही प्रयासों से फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया और एक गंभीर एक्टर के रूप में पहचान स्थापित की। बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूँ स्मिता पाटिल जी की। इस कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि चार ग्रह एक साथ में सप्तम स्थान में है। जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ कि कोई भी कुंडली में सेवंथ हाउस में यदि सूर्य और शुक्र दोनों मौजूद है, ऐसी स्थिति में उस कुंडली के लिए वैवाहिक सुख के संदर्भ में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। फिर बात करते हैं कि कुंडली में फिफ्थ हाउस में अकेले बृहस्पति की, यदि कोई भी कुंडली में बृहस्पति फिफ्थ हाउस में अकेला है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो स्पष्ट रूप से ग्रंथों में लिखा हुआ है ऐसी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। अतः या तो संतान ही जीवित नहीं रहती, और संतान जीवित रहता है, संतान जीवित रह जाए तो माता जो उत्पन्न करती है वो जीवित नहीं रह पाती, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा योग है। हम बात कर रहे हैं स्पष्ट तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्मी कैरियर के बारे में। तो जिस कुंडली में फिफ्थ हाउस से शुक्र का नाता जुड़ जाए, या फिफ्थ हाउस में सूर्य और शुक्र का नाता जुड़ जाए, या कुंडली में चंद्रमा और राहु साथ में हो जाए, ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं कि फिल्मी कैरियर की गुंजाइश बन जाती है। यदि वहाँ पर संघर्ष करें तो उसे फिल्मी कैरियर में सफलता जरूर मिलती है। ऐसी ही कुंडली में योग है कि कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य है, चाहे वो नीच राशि का है लेकिन फिर भी फिफ्थ हाउस का पंचम स्थान का स्वामी होकर के सप्तम स्थान में स्थित है, एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाकर के राजयोग की स्थिति में आ जाता है। तो शुक्र भी वहीं है और शुक्र स्वग्रही है, सेवंथ हाउस में है, तो सेवंथ हाउस में होकर के फिल्मी कैरियर का फायदा तो जरूर देगा, चाहे पर्सनल लाइफ में दुख दे दे, चाहे पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल दे दे, संघर्ष दे दे, तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद में अपने जीवन को एक संतोषजनक स्थिति में पाया है, अपने आप को काफ़ी इन्होंने मेहनत करके संवारा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में है तो चंद्रमा और शुक्र भी साथ में है। जिस कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों साथ में हो जाएंगे वहाँ पे आप अपने मनोभावों को परिभाषित करने का, एक्टिंग का गुण आप में शुरू से अथवा जन्मजात, एक प्रकार से बोलते हैं बॉर्न चाइल्ड या बॉर्न एक्टर बोल सकते हैं, वो वाला गुण यहाँ इस कुंडली में दिखाई देता है। सेवंथ हाउस में शनि उच्च राशि का कुंडली में दसम भाव का स्वामी होकर के, टेंथ हाउस को कैरियर बोला जाता है, टेंथ हाउस को कर्म बोला जाता है, तो कर्म का संबंध इस कुंडली में सूर्य से भी है, शुक्र से भी है, सप्तम स्थान से भी है, और साथ ही साथ इस कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पर, लग्नेश की दृष्टि भी भाग्य पर है, तो भाग्यवशात आप इस इंडस्ट्री में आकर के सक्सेस पाए, अर्थात भाग्य ने आपको इस रास्ते पर लाया। आप ये बोल सकते हैं कि भाग्य में जो लिखा रहता है, किस्मत में जो लिखा होता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म अपने आप बनता है, स्थितियां अपने आप निर्माण होती है, अच्छा होने के लिए भी और बुरा होने के लिए भी। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है मुझे लॉस नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो, मैं इस जंजाल में नहीं फंसूं, उसके बावजूद भी परिस्थितियाँ बन जाती है और वो व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है, अर्थात उसको कुछ न कुछ समस्याएँ, पीड़ाएँ समय से आ जाती है।
तो यही बात यहाँ पर अच्छे के साथ में भी लागू होती है कि फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस होने का योग है, तो भाग्य से आप इस लाइन में आए, इस कैरियर में आए और आपने सक्सेस हासिल की। मंगल और बुध कुंडली में सिक्स्थ हाउस में है। सिक्स्थ हाउस में मंगल होने से व्यक्ति संघर्ष के साथ में उपलब्धि पाता है। अतः मंगल स्पोर्ट्समैनशिप का है, मंगल संघर्ष का है, मंगल सेनापतित्व तो जिसको बोलते हैं उस चीज़ का मालिक है। और लग्न का मालिक होकर के, लाइफ लॉर्ड होकर के मंगल सिक्स्थ हाउस से संबंध जोड़ता है, अर्थात रोग से, संघर्ष से, कंपटीशन से संबंध जब जोड़ता है, तब ये आराम से बोला जा सकता है, सरल भाषा में बोला जा सकता है कि व्यक्ति संघर्ष के साथ में ही उपलब्धियाँ पाएगा, अर्थात ईजी सक्सेस नहीं मिल सकती। बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया, लेकिन ये बोल सकते हैं जितने समय भी फिल्म इंडस्ट्री को मिले उसमें इन्होंने अपनी पहचान बनाई, एक सक्सेसफुल अभिनेत्री के तौर पर इनका नाम और एक गंभीर सिनेमा के रूप में आज भी इनका नाम आदर से और बहुत ही रिस्पेक्टफुली अभिनेत्री के रूप में पहचान है। तो यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग है फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस पाने का, अभिनेता या अभिनेत्री होने का, मॉडलिंग में जाने का, डांस में जाने का, या ये बोल सकते हैं लिटरेचर अर्थात कोई स्क्रिप्ट राइटर का, डायलॉग राइटर के बारे में बोल सकते हैं, आर्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं या फिल्म डायरेक्शन बोल सकते हैं, चाहे वो सीरियल के माध्यम से हो चाहे फिल्म लाइन के माध्यम से हो, आप भी ट्राई जरूर करिए, क्योंकि सपने देखते हैं, सपने देखने से ही हकीकत के रूप में आप उनका सामना कर सकते हो। जो सपने ही नहीं देखेगा वो व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। तो सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपनों के साथ साथ में संघर्ष, मेहनत और सही दिशा में बढ़ना भी जरूरी है। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी जिज्ञासा हो, आप इस फोन नंबर पर संपर्क करके प्रोसीजर जान लीजिए। आप और हम फोन पर भी आपकी कुंडली के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आप पॉइंट नोट करके मुझे फ़ोन कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर जानना पहले ज़रूरी है। आज बस इतना ही, कल फिर लेंगे फिल्म इंडस्ट्री की कोई महान हस्ती के बारे में, उनके योग को देखेंगे, उनके योग को परखेंगे और कुंडली का विश्लेषण करेंगे और बतलाएंगे आपको किन योगों से वो इतनी महान अदाकारा बन पाई। हाँ, तो हम कल बात करेंगे श्रीमती नरगिस दत्त जी की। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।